आज का अगला सूत्र है, शिव कहते हैं, ओ बिलव्ड, पुट अटेंशन नाइदर ऑन प्लेजर नॉर ऑन पेन बट बिटवीन दीज। प्रिय, अपने ध्यान को न सुख पर रखो न दुख पर, बल्कि दोनों के मध्य में अपने ध्यान को स्थिर करो। आज की सारी विधियां जो ली हमने, वो एक गहरी समझ पर खड़ी हैं, और वो समझ ही ध्यान है, उस समझ ही रूपांतरण है। ये विधि पुनः उसी मिडल पाथ की है, मध्यम मार्ग की। अपने ध्यान को न सुख पर न दुख पर, उन दोनों के मध्य में स्थिर करो ध्यान को, अपने अटेंशन, अपने फोकस को। और यहां पर शिव फिर थोड़ा लविंग हो जाते हैं, वो कहते हैं ओ बिलव्ड, प्रिय। रोमांटिक रोमांटिक नहीं होते हैं, आप समझ लो। यहां पर ये चीजों को कहने का तरीका है, ये सूत्रों में जब ये शब्द भी डाले गए हैं तो बहुत सोच कर डाले गए हैं, क्योंकि ये बात समझाने के लिए भी बड़ा प्रीति चाहिए, बड़ा प्रेम चाहिए, नहीं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता। उसको लगता ऐसे कैसे सुख से ध्यान हटा लें, ऐसे कैसे दुख से ध्यान हटा लें। लेकिन जब हमारे अंदर प्रेम की संवेदनशीलता जागती है, प्रेम एक भावनात्मक विक्षिप्तता की तरह नहीं, एक इमोशनल एक्सट्रीम की तरह नहीं, एक जागृत संवेदनशीलता की तरह, एक अवेकन्ड सेंसिटिविटी की तरह हमारे अंदर होता है प्रेम, उसको कहते हैं। प्रेम का अर्थ जागृत संवेदनशीलता, प्रेम भावनात्मक विक्षिप्तता नहीं। तो इसीलिए यहां पर शिव प्रेम की उसी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति के लिए इस शब्द को ले आते हैं, प्रिय। प्रिय अर्थात संवेदनशीलता इस समय बहुत स्पष्ट होकर सामने है। अब कहते हैं कि अपने ध्यान को न सुख पर रखो न दुख पर रखो, जो प्लेजर और पेन है उन पर मत रखो, उनके बीच में, दोनों के मध्य में उसको स्थिर करो, संतुलन लाना। यही व्यक्ति की स्थिति है, सुख में तो बह जाता है, दुख में तो बह जाता है। प्लेजर जीवन में आए तो वहां पर भी वो ठहरता नहीं, पेन आए जीवन में तो वहां भी वो ठहरता नहीं, पेन में बहुत ज्यादा उपद्रवी हो जाता है और प्लेजर में भी उपद्रवी हो जाता है। कुछ दंगा फसाद लोग दुख में कर बैठते हैं और कुछ दंगा फसाद लोग सुख में कर बैठते हैं। कभी देखो लोगों का सुख कि बहुत सुखी थे, पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते करते झगड़े में पड़ गए। आम व्यक्ति का सुख भी उसको तकलीफ में ले जाता है और आम व्यक्ति का दुख भी उसको तकलीफ में ले जाता है। लेकिन शिव यहां पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुमको सामान्य जीवन से हटकर कहीं जाना है, तुमको उसी जीवन में रहना है, उसी जीवन में रहते हुए ही रूपांतरण आएगा। कितने आसानी से शिव यहां पर कह सकते थे, ओ बिलव्ड, गो बियॉन्ड पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख के परे चले जाओ प्रिय। क्योंकि हम मानते हैं कि जो बुद्ध होते हैं, जो जागृत लोग होते हैं, वो सुख और दुख के पार चले जाते हैं, प्लेजर और पेन के पार चले जाते हैं। ऐसा हमको बताया गया, तमाम लोग ऐसा प्रदर्शित भी करते रहे। वो प्रदर्शित नहीं करते रहे, वो प्रिटेंड करते रहे हैं, वो आभासी दुनिया की तरह मैजिक शो है। वो शिव बहुत प्रैक्टिकल हैं,
यहां पर वो बिल्कुल व्यावहारिक सत्य को सामने रख रहे हैं, इसीलिए इसको रख रहे हैं कि तुमको अगर जीवन को सामान्य ढंग से जीना है तो यहां सुख और दुख के उतार चढ़ाव रहेंगे, जिसको हम बियॉन्ड जाना कहते हैं। तो बियॉन्ड जाने का, परे जाने का अर्थ ये नहीं होता कि जीवन में सुख और दुख नहीं रहेंगे, प्लेजर और पेन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। प्लेजर और पेन रहेंगे, सुख और दुख रहेंगे, लेकिन उनके मध्य में ठहरा जा सकता है, उनके मध्य में अपने ध्यान को स्थिर किया जा सकता है। और जब हम मध्य में ध्यान को स्थिर करते हैं, वही उनके पार चले जाना है। तो पार चले जाने का शब्द इस ढंग से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आम तौर से लोगों को लगता है कि जीवन में आएगा ही नहीं, इसीलिए तुम चार दिन ध्यान कर लो, तुम चार दिन बातें सुन लो किसी बुद्ध की, तुम्हारे आसपास के लोग पूछेंगे अगर तुम जरा सा दुखी हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो तुमको लोग कहेंगे अरे तुम तो ध्यान करते हो, तुम तो इतनी ध्यानी हो, फिर भी तुम्हें तकलीफ है, फिर भी तुम्हें परेशानी है। अब तुम जवाब नहीं दे पाते, तुमको लगता है कि कहा तो यही गया है कि ध्यान कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल कोई इमोशनल कोई पेन नहीं होना चाहिए था हमको, हमको तो बस हमेशा एक मुस्कान चिपका कर जीते रहना चाहिए था, बस आनंदित। हमें बीमारी हुई, बस हम नाच रहे हैं, बीमारी हुई, हमारा कोई प्रियजन मरा, हम नाच रहे हैं, हम बिस्तर पे पड़े हैं, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, हम गाना गा रहे हैं, क्योंकि हम तो पार हैं उसके, ध्यानी को तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा कोई प्रियजन जाए, तुम्हारी आंख से आंसू गिरे, तुम्हें रोना है, तुम खुद मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि लोग कहते अरे तुम तो बहुत ध्यान करते थे और तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम तो इतने लंबे समय से सत्संग सुन रहे हो, इतनी तुमने बातें समझदारी की सुनी पढ़ी है, तुम्हें तकलीफ, तुमको लगता नहीं होनी चाहिए। बस यहीं पर पेंच है। शिव इस सूत्र में उसको ही स्पष्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए उन्होंने उसको हटाया नहीं। सोचो, वो जिसको ये बात कह रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी प्रेयसी को, इसीलिए उन्होंने यहां पर उस प्रिय शब्द का उपयोग कर लिया। वो स्वयं ही सिद्ध हैं, अपने जिस प्रेयसी को वो बात कह रहे हैं वो सिद्ध हैं, उन्होंने जो बात पूछी है वो बस पूछी है। लेकिन फिर भी शिव कह रहे हैं कि सुख और दुख पर अपने ध्यान को मत ले जाओ, क्योंकि वो रहेंगे, वो जीवन के सागर में उठती हुई लहरों की तरह वो आएंगे और जाएंगे। तब यहां पर जो ध्यानी है, मेडिटेटर है, जो अवेकंड पर्सन है, जो लिबरेटेड पर्सन है, जागृत व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो उसके मध्य में अपने ध्यान को ले आता है, रहने देता है चीजों को, अपने ध्यान को उनसे थोड़ा हटा लेता है। मध्य कहाँ है? मध्य है हमारे स्वभाव में, हमारी उपस्थिति में, हमारे होने में। हमारा होना है तो ये सब उतार चढ़ाव भी हैं, ये लहरें भी हैं, ये सुख भी है, ये दुख भी है। हमारा होना नहीं है तो काहे का सुख, काहे का दुख। हमारे होने तक ही ये सब तमाशा है, ये फिल्म है, ये शो है, ये मैजिक शो है, ये जो रोशनी है आंखों की, ये हमारे जो रगों में बहता हुआ जीवन है, इसके होने तक ही ये सारा शो है, ये नजारा है, ये तमाशा है। तो अपने होने में स्थिर हो जाना, अपनी प्रेजेंस, अपनी बीइंग, कौन सी बीइंग, कौन सा अपना होना, जो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, जो इटर्नल है, जो नाम रहित, रूप रहित, शाश्वत हमारा होना है। वो तो हमेशा रहता है ना हमारे साथ, उसको तो हम कभी भूलते नहीं, चूकते नहीं। जो सुख और दुख आते हैं वो हमारी प्रक्षिप्त पहचान पर आते हैं, हमारी प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी पर आते हैं।
जो संसार में मैनिफेस्ट हो गई है, लेकिन जो हमारे भीतर उस शाश्वत जीवन की अंतरधारा है जो हमारे होने के रूप में, उस पर तो कोई बदलाव नहीं आता। तो शिव उसी मध्य में जाने की बात करें, लेकिन इसको अभ्यास की तरह देखना पड़ेगा। विधि को अगर हमें समझना है, दर्शन की तरह ऐसे समझा और विधि की तरह जीवन में हमने इनकार नहीं किया, हमने ये माना कि जीवन कॉम्बिनेशन है पेन और प्लेजर का, सुख और दुख का। तुम कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में ये दोनों चीजें रहेंगी, क्योंकि जीवन में बनना और मिटना रहेगा, जीवन में उठना और गिरना रहेगा। ये जीवन खड़ा ही है हमारी आती सांसों और जाती सांसों पर, तो जीवन में ये उतार चढ़ाव अर्थात सुख और दुख की प्रक्रियाएं, ये पेन और प्लेजर की जो हैपनिंग्स हैं, ये रहेंगी ही अनेक अनेक रूपों में, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज्यादा। सीखना है उनमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो जाना। आज के तीनों सूत्र एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक को समझने के लिए दूसरे को समझना जरूरी है, दूसरे को समझना है तो आपको और चीजों को समझना है। ये तो सारे जो सूत्र हैं और सारी जो बातें होती हैं एक दूसरे में गुथी होती हैं, लेकिन आज की स्पेक्ट्रम में यही चीजें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो सूत्रों को जब जिस परंपरा ने रखा उनको बड़े सिस्टमैटिक साइंटिफिक ढंग से रखा कि आपको एक बात पकड़ में आए तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी आए तो तीसरी आ जाएगी, और एक भी बात पकड़ में नहीं आई तो कहीं बीच से उठाकर तुमको पकड़ में नहीं आने वाली। बीच से अगर उठाएंगे बात तो पकड़ में नहीं आएगी। तो अगर हमने इस संसार को एक नाटक की तरह देखना शुरू कर दिया है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसको वैसे देखना शुरू कर दिया है हमने, तो इस समझ को हम देख पाएंगे। हमने अगर अपनी कामनाओं अपनी डिजायर्स को तटस्थ होकर डिटैच होकर देखना शुरू कर दिया है तो कामनाओं की ही जो निष्पत्ति है एंड रिजल्ट जो है एक्सट्रीम डिजायर्स का, वही प्लेजर और पेन बनता है। कामनाएं तो अपने आप में एक उपकरण है, वो अपने साथ जो लेकर आती हैं वो दो ही चीजें लेकर आती हैं, पूरी हो गई तो प्लेजर, नहीं पूरी हुई तो पेन। पूरी होकर भी कभी पेन लाती हैं, कभी ना पूरी होकर भी प्लेजर लाती हैं, लेकिन वो उनकी अपनी एक स्थिति है। तुमने उसमें अगर अनुद्विग्न अविचलित अनडिस्टर्ब रहना सीखा है तो ये बात तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ध्यानी व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो इन चीजों का सामना करता है। अब तुम इन बातों का जवाब दे सकते हो आसानी से कि भाई ठीक है, होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं होगा। अक्सर मैंने देखा लोग नहीं जवाब दे पाते इन बातों का, और घर वाले या उनके आसपास लोग इसी बात पर उनको परेशान करते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे जीवन में भी ये हो गया, तुम भी विचलित हो गए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आ गई। अरे आती है भाई, स्वाभाविक है, जीवन है तो आती है। और तकलीफें मानसिक ही क्या, कुछ लोग तो इतने एक्सट्रीम तक खींच ले जाते हैं वो शारीरिक तकलीफों को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि कई लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर देते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कुछ ऐसा विकास कर लेता है अपने अंदर कि उसका शरीर भी किसी पेन में नहीं जाता। तो अगर तुम्हारा शरीर पेन में जाए तो कहें क्या ध्यान किया तुमने, क्या योग किया अब तक, ये सारा विज्ञान भरो तंत्र क्या था तुम्हारे लिए, किसी काम का था, तुम बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ के भी तुम गिल्ट में चले जाते हो कि बताइए सब बेकार गया हमारा ज्ञान ध्यान। ज्ञान ध्यान बेकार में नहीं गया, बीमार तो पड़ोगे ही, शरीर है तो पड़ेगा ही, शरीर है तो डिके होगा ही, शरीर तो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, क्षय होने के लिए बना है, डिके होने के लिए बना है, तो डिके होगा, तो क्या करें, होने दो। कम और ज्यादा तकलीफ का सवाल नहीं है। हम अगर डिटैच होना सीखते हैं तो हम उन सारी परिस्थितियों में सीख लेते हैं। और एक चीज बड़ी हैरान करने वाली है अगर उसको देखोगे, कम तकलीफ यानी कम पेन और कम प्लेजर में डिटैच होना यानी बीच में स्थिर होना कठिन है, और ज्यादा पेन और ज्यादा प्लेजर में
बीच में आ जाना, डिटैच होना ज्यादा आसान है। अक्सर लोग जब ज्यादा परेशानियों में घिर जाते हैं, ज्यादा तकलीफों में, तो वो उससे बाहर हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। और शरीर भी ऐसे डिजाइंड है, एक निश्चित किस्म की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए शरीर डिजाइंड है, हमारा नर्वस सिस्टम डिजाइंड है। और उस मात्रा से, उस डिग्री से ज्यादा पेन अगर हमारे शरीर को भी हो जाए तो शरीर बेहोश हो जाता है, या शरीर महसूस करना बंद कर देता है, सुन पड़ जाता है, या कुछ भी होता है, क्योंकि शरीर डिजाइंड नहीं है। उसी तरह से जैसे चीजें होंगी वैसे ही वो अपना काम करेगा। तो हम लोग छोटी बातों में ज्यादा उलझते हैं, बड़ी बातों में नहीं उलझते। कभी देखो कि कोई तुमको थोड़ा सा बुरा कहकर चला जाए तो उसकी तकलीफ तुमको ज्यादा होती, और कोई तुमको बहुत कायदे से बुरा बोल के चला जाए तो तुम कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं, ज्यादा गुस्सा आ गया होगा उनको कह दिया, तुमको लगता है इतना ज्यादा इसने कर लिया, उसमें तुम करो क्या, तुम्हें लड़ने का भी नहीं सोचता उस समय। इसीलिए छोटी लड़ाइयों में लोग ज्यादा उलझते हैं, कभी देखो बड़ी लड़ाइयों में उलझते नहीं, क्योंकि बड़ी लड़ाइयों में तो वारा न्यारा होना है, बड़ी लड़ाइयों में तो फैसला होना है इधर या उधर, छोटी लड़ाइयां तुम जिंदगी भी लड़ सकते हो। तो छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे पेन और छोटे छोटे प्लेजर लोगों को ज्यादा उलझाते हैं, बड़े वाले कम उलझाते हैं। बड़ी तकलीफ आ जाए जिंदगी में तुम्हारे, तो अगर गौर से देखोगे तो उसके साथ एक ज्ञान की, प्रज्ञा की, अवेकनिंग की धारा भी आ जाती है। और बड़ा सुख आ जाए तो वो भी अपने साथ लाती, अचानक तुम डिटैच हो जाते हो। अब अपनी अपनी सबकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो सकता है, उदाहरण के लिए बस समझें, मान लीजिए कोई निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति था और बहुत ज्यादा उसके पास धन नहीं था, वहीं पर उदाहरण समझेंगे, उदाहरण अनुपात में समझ पाएंगे इसको। अब वो सोचता था कि हमको बस इतना लाख रुपया मिल जाए तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चले, इतना लाख रुपया। अब उसने सोचा था मुझको 5 लाख रुपये मिल जाए तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और ऐसा ऐसा कर लेंगे। अब 5 के उसको मिले 3, 4, अब उसकी तकलीफ बरकरार है, अटैचमेंट भी बरकरार है, अच्छा भी लग रहा है, अच्छे में पोजीशन भी बहुत ज्यादा है। अब 5 चाहे थे तो 3 तो पकड़ के उसको बहुत जोर से रखने हैं, लेकिन 5 लाख चाह रहा तो एकदम उसको 5 करोड़ 50 करोड़ अचानक उसके पास आके रख जाए तो वो क्या करेगा, वो एकदम से बिवाइल्डर्ड हो जाएगा, कर्तव्य विमोड़ हो जाएगा, मध्य में आ जाएगा वो, बिल्कुल समझ नहीं पड़ेगा अब करें क्या, क्योंकि जो जो उसने सोचा था 5 लाख में निपटेगा वो 5 करोड़ 50 करोड़ में तो क्या क्या नहीं निपट जाएगा, तो करें क्या इसका। अगर वो जरा सा भी समझदार व्यक्ति हुआ तो उदार हो जाएगा, मध्य में आ जाएगा या विक्षिप्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। तो छोटी बातें, छोटे सुख, छोटे दुख, हमें उनसे ही सावधान रहना ज्यादा होता है। बड़े वालों की चिंता नहीं करनी है, बड़े वाले अपनी चिंता खुद कर लेते हैं। इस अभ्यास को छोटे छोटे प्लेजर और पेन में लाना है, उनके मध्य में स्थिर होना है। अभ्यास जब बन जाता है तो फिर जीवन में कोई बड़ी घटना, बड़ा पेन, बड़ा प्लेजर, वो भी मध्य में सहजता से ले जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीज, सामान्य सी चीज, तुमने एक सामान्य सा कपड़ा लिया, तुमको बहुत अच्छा लगा, तुम बिल्कुल इतरा नहीं गए, तुमको अच्छा लगा, तुमने देखा आईने में, थोड़ा ठहर गए, ठीक है, अच्छा है, खुश हुए, खुशी से इनकार नहीं है कि खुश नहीं होना चाहिए। अब पहन कपड़ा अच्छा लगा, तुमको पसंद था, तुम लेकर आए थे, पहनने के बाद भी तुम मुंह लटका के बैठे रहे कि हम तो खुश नहीं होंगे, हम तो मध्य में रहेंगे। गुरु जी ने कहा था सुख में बह नहीं जाना, दुख में बह नहीं जाना, तो मुंह लटका के बैठ। क्वेश्चन पूछा क्यों, क्या नहीं नहीं हम सुखी उखी नहीं होते, हम तो बीच में रहते हैं। तो सुखी हो लो, लेकिन एकदम से इतराओ नहीं, सुखी हुए बस थोड़ी देर में डिटैच हो गए। तो छोटी सी चीज में भी तुमने उसको प्रैक्टिस कर लिया। अब इसी को, कपड़े को ही तुम दूसरी दृष्टि से देखो, तुम लाए थे, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी थी, अचानक उस
पर किसी ने कुछ गिरा दिया, दाग डाल दिया, या अचानक फंस गई किसी चीज में, फट गई, तो उसमें भी बिल्कुल दिल तोड़कर मत बैठो कि सारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम ये जानो कि हाँ भी अच्छी थी, मुझे चाहिए थी और खराब हो गई, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। घरों में देखिए झगड़े किन बात, एक गिलास टूट गया, कटोरी टूट गई, घर में महाभारत शुरू। घरों में महाभारत किसी बड़ी बात पर नहीं होता, कभी ध्यान दें, जो प्लेजर और पेन के बड़े छोटे छोटे इनपुट्स पे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, या अच्छी वाली बातें भी होती हैं। तो हमको हर छोटी बात पर बीच में सरक जाना है। अब यहां के देखिए दूसरे पहलू को देखें, ड्रेस का ही उदाहरण देखें। अगर तुम अच्छी ड्रेस पहनते हो, तुमको अच्छा लगता है, तो क्या होता है उस मोमेंट में? ईगो प्लीज होता है या तुम सेंटर्ड अनुभव करते हो? एक्चुअल में तुम सेंटर्ड अनुभव करते हो। जीवन में जब भी तुमको कुछ अच्छा अनुभव, अनुभूति, फील गुड आता है, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने अंदर जाओ, तुम देखो कि तुम्हारे केंद्र में कुछ ठहरा हुआ है, उसी से अच्छा लगा था। अच्छा लगने का मतलब ही है कि कुछ तुम्हारे अंदर ठहरा था। और जब तुमको बुरा लगता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, तब इसका मतलब अंदर कुछ हिला था। तब भी तुम अंदर मुड़ते हो, यानी कि अपने स्रोत की तरफ, तो तुमको वो हलचल पकड़ में आ जाती है, फिर तुम ठहर जाते हो। तो हर किसी छोटी छोटी हलचल के साथ इसका अभ्यास करो। जहां कहीं तुमको प्लेजर मिले, उस प्लेजर को फील करो, इंजॉय करो, खुश रहो। मुंह मत लटकाओ कि नहीं, प्लेजर से हमको क्या लेना देना, प्लेजर से सब लेना देना है। फिर तुम कहोगे चलो पेन से फिर लेना देना नहीं रखेंगे, प्लेजर से रख लेंगे। पेन से भी लेना देना है, क्योंकि पेन को भी निपटाना है, वो भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, उसका भी सरोकार है तुमसे। तो दोनों तुम्हारे जीवन के हिस्से हैं, दोनों का सरोकार है, दोनों के प्रति तटस्थ, शांत, मध्य में स्थिर हो जाना, एक मिडल पाथ ढूंढ लेना, अतिरेक में नहीं बहना, अतियों की तरफ नहीं चले जाना, अनडिस्टर्ब्ड रहना, स्थिर रहना। और इसके लिए चाहिए बहुत प्रेमपूर्ण, प्रीतिपूर्ण दृष्टि। यहीं पर वो, उनका ये प्रेमपूर्ण उदाहरण सामने आता है, जब वो कहते हैं ओ बिलव्ड, तुम अपने को वो उच्चारण दो, अपने को एक बिलव्ड की तरह देखो, प्रिय या प्रिय की तरह। तो जब तुम अपने प्रति बहुत प्रेमपूर्ण अर्थात बहुत संवेदनशील होते हो, तो सुख दुख की लहरों में तुम वैसे ही नहीं उलझते, क्योंकि उनमें उलझना ही अपनी शांति से हट जाना है। ये सूत्र मनुष्य को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले, सुख में सुखी रहो, दुख में दुखी रहो, उनसे भागो नहीं, आंसू आए गिरने दो, तकलीफ हो उसको महसूस करो, कोई जरूरत नहीं उससे भागो, कहो कि नहीं मुझे तकलीफ नहीं होती, मर्द को दर्द नहीं होता, है दर्द, बस थोड़ी ही देर में जल्दी ही तुम मध्य में आ जाओ, मिडल में। मिडल में कैसे आओगे? स्टार्ट फीलिंग योर प्रेजेंस, स्टार्ट फीलिंग योर बीइंग, अपना होना, नेमलेस फॉर्मलेस बीइंग, अपना होना। उस पृष्ठभूमि पर ही सब खेल चल रहा है, अपने होने की उस पृष्ठभूमि पर ही सारा ये खेल चल रहा है, बस उसको महसूस करना। बस जैसे ही उस मध्य में तुम आए, तुम सुख दुख के पार चले गए। ये पार जाना है। पार जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे, वो रहेंगे, अनेक अनेक रूपों में रहेंगे। हमारा जीवन ही सुख और दुख के ताने बाने से बना है, पेन और प्लेजर के थ्रेड से बुना गया है, इसलिए वो रहेंगे, लेकिन उनके मध्य में होने की संभावना है। इसीलिए जब बुद्ध ने अपनी देशना दी, तो शुरुआत में बहुत ही प्रैक्टिकल बात उन्होंने कह दी, उन्होंने कहा संसार दुख है, लेकिन
दुख से मुक्ति का उपाय भी है और दुख से मुक्ति की अवस्था भी है। वो अवस्था क्या है उसी को विज्ञान भैरव तंत्र का इस सूत्र कहता है, मध्य में स्थिर हो जाना, निरंतर अपने स्रोत से जुड़े हुए जीना। Thank you.